हाजिर हूँ मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी RVC चैनल के माध्यम से। आज बात करेंगे हम ईद उल फित्र की नमाज पर और बताएंगे आपको कि नमाज कब और कहां कैसे होगी। अगर आपने RVC चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतर खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी खबरों को शेयर करने से भी ना चूकें ताकि उनको भी मालूम हो जाए जिन्हें मालूम नहीं है। कोरोना वायरस के ख़तरे को देखते हुए और लॉकडाउन पर अमल करने के लिए ईदगाह कमेटी ने मुस्लिम तबका के लोगों से अवामी राय आज मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हासिल की। पूरी दुनिया में लोगों की परेशानियों को समझते हुए मुल्क की बेहतरी और कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक राय कायम करते हुए यकचहती दिखाते हुए फैसला किया कि ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा नहीं करेंगे, साथ ही ईद के दिन कोई भी नया कपड़ा नहीं पहनेंगे, बल्कि कपड़ों की कीमत को गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करेंगे ताकि उन गरीबों और मिस्कीनों को फ़ायदा पहुंचे जो लॉकडाउन के वजह से अपने आप को तन्हा और परेशान महसूस कर रहे हैं। मैं सुहेल आलम, ईदगाह सेक्रेटरी सह वार्ड पार्षद। मीटिंग में ये तय पाई गई ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में नहीं मनाई जाएगी और ईद के रोज़ नए नए जो भी कपड़े लोग पहनते हैं उसकी पैसा गरीबों में तकसीम कर दी जाएगी और ईद का पर्व शांतिपूर्वक मनाना है, कहीं भीड़भाड़ नहीं लगाना है। यही आवाम से अपील है।